लिए मैं आपको दो तीन गलतियां बताने जा रही हूँ, ये आप लोग कभी भी मत कीजिएगा वरना आपका चैनल फ्यूचर में जाके कभी भी मोनिटाइज नहीं होगा। लाजमी ये मेरी ट्रिक आजमाइएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस पर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी मोनिटाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है? तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया था। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और लाजमी लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था लास्ट मंथ में, नवंबर से पहले अक्टूबर में अप्लाई किया था मैंने, ठीक है? तो जब मैंने अप्लाई किया तो दो तीन दिन के बाद मुझे एक मेल आ गई कि आपका चैनल रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू रीयूज्ड कंटेंट। मैंने रीयूज्ड कंटेंट यूज़ किया हुआ था। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है कि जब हम किसी और की वीडियो लगाते हैं, किसी और का म्यूज़िक लगाते हैं, उसकी विदाउट परमिशन लगाते हैं, उस टाइम तो कोई कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है? उस टाइम तो सब ओके हो जाता है, डाउन वीडियो अपलोड हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ना मोनिटाइजेशन में बहुत मसला वो क्रिएट करता है। तो आप कोशिश करें कि आप किसी का भी कॉन्टेंट यूज़ ना करें, खास तौर पर वो वाला आप किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। जो मैंने कंटेंट किसी और का यूज़ किया था उस पर मुझे बहुत व्यूज़ आए थे। हो सकता है यूट्यूब ने जस्ट यही देखा हो कि इसके किस चीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आए, और वो जब इन्होंने वीडियो मेरी चेक की तो वो मेरी वो रीयूज़ कॉन्टेंट था, मैंने वो किसी और का यूज़ की हुई थी। और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने ना वो किसी और की वीडियो लगाई हुई थी। ऐसी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ थी शॉर्ट्स में खास तौर पर मैंने ना दूसरों की लगाई हुई थी, जैसे इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर ली, फेसबुक से डाउनलोड कर ली, यूट्यूब से डाउनलोड कर ली, तो मैंने काफ़ी इस तरह की वीडियोस लगाई हुई थी। इसके अलावा मेन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बड़ी वीडियोस जो होती हैं, जैसे कि अब मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक है? व्लॉगिंग में ख़ास तौर पर आप ये कोशिश करें कि या तो अपना फेस कवर या फिर अपनी वॉइस, दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर दें, ठीक है ना? वीडियो में ज़रूर डालें। ये है, ये ना हो आपने पूरी वीडियो तो बना ली लेकिन आपने ना उसमें अपना फेस दिखाया। चलो फेस नहीं आप दिखा सकते, नो इशू। मास्क जो कुछ लोग मास्क भी नहीं अलाउ, कुछ मतलब नहीं करते हैं, ठीक है, कोई नो इशू। लेकिन कोशिश करें कि एक वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी वॉइस ज़रूर होनी चाहिए, म्यूज़िक मत डाला करें। जब तक आप लोगों का चैनल मोनिटाइज नहीं हो जाता, आप कोशिश करें कि म्यूज़िक ना डालें। म्यूज़िक मतलब यही है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप म्यूज़िक मत डालें, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी थी जिनमें मैंने म्यूज़िक डाला हुआ था, लेकिन वो बताऊँ मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो यूट्यूब की लाइब्रेरी से मैंने लिया था, लेकिन उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है। समटाइम कुछ इस तरह के होते हैं जो मतलब हमें अलाउ नहीं होता है वो म्यूज़िक यूज़ करना, तो कुछ कई दफ़ा इस वजह से भी आ जाता है, कई दफ़ा इस वजह से भी आ जाता है कि हमने या तो फिर पूरी वीडियो में म्यूज़िक जस्ट यूज़ किया हुआ है, अपनी कोई वॉइस नहीं डाली, अपना फेस ओवर नहीं दिखाया, फेस नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ और जस्ट म्यूज़िक डाल के छोड़ दिए, तो वो भी जो है ना बाद में रीयूज़ कंटेंट में आ जाता है, वो भी वीडियो ऑथराइज नहीं होती। हाँ कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनका हो जाता है, मतलब जैसे होते हैं, मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं, लेकिन ना मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी ऐसे हैं जो ना इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये वाली गलती मत करें। जब तक आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं हो जाता, आप कोशिश करें कि आप ना या अपनी वॉइस डालें या अपना फेस, जो उनसे दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़रूर वीडियो में डाला करें, और कोशिश करें कि किसी का भी कंटेंट यूज़ ना करें, ठीक है? ऐसे मैंने वीडियोस, अब मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो खुद समझ जाएंगी, उन्होंने ना ऐसे वीडियो तो लगाई होती है, ऊपर कट किया हुआ होता है, नाम आईडी कट की हुई है, स्नैपचैट टिकटॉक से ले। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ना ये हटा दें, ये मतलब दूसरे का म्यूज़िक, दूसरे का वीडियो मत यूज़ करें, ये आपके लिए बाद में मसला क्रिएट करेगा। इसके अलावा बहुत से चैनल्स वाले ऐसे भी हैं जिनकी
जबरदस्त जिन्होंने व्लॉगिंग की हुई होती है, मतलब वॉइस भी अपनी होती है और सारा कुछ अपना होता है। उन एक चैनल ऐसा है अरूज लाइफ है, उनका नाम है अरूज लाइफ, तो उन्होंने ना सारा अपना ही उनका सब कुछ होता है, तो उनका चैनल मोनिटाइजेशन में उनको कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको बोल रही हूँ अरूज लाइफ जो उनकी मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी उनका चैनल चल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि अच्छा, मतलब सबका मैं मतलब देखती रहती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि ये गलती मैंने भी की थी तो ये भी कर रहा है, तो अब जो जो देख रहे हैं वो लोग मेरी बात सुन लें कि कभी भी री अपना कंटेंट यूज़ करें, किसी का कंटेंट मत यूज़ कीजिएगा, और शॉर्ट्स में भी आप कोशिश किया करें किसी का कंटेंट ना यूज़ करें, अपना करें। और इसके अलावा बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करनी है कि प्लीज़ प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस लाजमी देखा करें, वीडियोस को स्किप मत किया करें, एंड तक देखा करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी मतलब कोई कोई गलती या इस तरह के, तो मैं ना आपको ना एक इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दूंगी, एक वो यूट्यूबर ही है तो उनका मैं अकाउंट आपको दे देती हूँ। इधर ये मैं आपको बता रही हूँ, ये है उनका अकाउंट, आप इनसे भी मशवरा ले सकते हैं, आप इनको भी बता सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि आपको ये क्या मतलब बता देंगे कि आपके चैनल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आपको बता देंगे। मैंने भी इनसे पूछा था तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका रीयूज कंटेंट आ रहा है, आपने दूसरे की वीडियो हटा दी है। मैंने कहा सारी मैंने हटा दी है वीडियोज़, तो इन्होंने कहा आपकी वीडियोस में आपकी वॉइस है, मैंने कहा हाँ मेरी वॉइस सब में मेरी वॉइस है। और इन्होंने फिर पूछा कोई ऐसी वीडियो जिसमें सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक म्यूजिक है, तो मैंने बताया हाँ थी, तो कहते हैं वो हटा दो, मैंने वो हटा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने ना काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जिनका रीयूज कंटेंट आ जाए ना तो वो कभी भी रिमूव नहीं होता है, वो बार बार आता रहता है। और रीयूज कंटेंट के लिए आपको क्या करते हैं, दो ऑप्शन वो देते हैं। नंबर 1, या तो आप अपील करें, एक अपील की वीडियो बनाएं, उनको बोलें जी हमारा तो सब ओके है, हमारी तो मतलब हमने कोई रीयूज कंटेंट यूज़ नहीं किया, और वो आपको अपील 14 दिनों में देनी होती है, ठीक है। और दूसरी, 1 महीने के बाद रीअप्लाई करना पड़ता है, और उसमें आप जो एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर दें वीडियो, वो 1 महीने का। लेकिन जब आप अपील करेंगे उसमें आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, वरना आपका दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको दोबारा 1 महीना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात की बातें हैं ना, जब आप मोनेटाइजेशन के अप्लाई करेंगे। तो बस आप सबसे यही कहना था कि कभी भी किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ मत कीजिएगा। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं तो जो अगर किसी को लग रहा है ना जो उनकी चैनल में ये मसला है, मतलब उन्होंने ये गलती की है, तो वो ना मुझे इस तरह कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको दे देती हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ जो मैं आपको मशवरे दूंगी या कुछ इस तरह करूँगी, लेकिन मेरे से जो हो सका मैं आपके लोगों की थोड़ी थोड़ी जितनी भी हेल्प हो सकी मैं आपकी इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये छोटा सा जो मैंने आपको एडवाइस दी है ये अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लेकिन आपको मेरी ये जो मैंने आपको बात बताई है ना वो समझ आ गई होगी, और अभी आप लोग कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।